आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है जम्मू में जो चोरियां हो रही है और जम्मू में जो चोर लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसी सिलसिले में सब लोगों को आपको बुलाया है। आपका मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं सभी मीडिया का, और सभी हिंदू भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूं मैं कि हिंदू हो तो हिंदू बन के रहिए, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, धर्म के बगैर जाति नहीं होती, धर्म के बगैर जाति नहीं होती, दिए के बगैर बाती नहीं होती। जब दिया ही नहीं रहेगा तो ज्योति का क्या करोगे, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। मेन मुद्दा यह है कि चिनोर प्राचीन शिव मंदिर कैलाश आश्रम में चोरी हुई 1 और 2 के रात्रि बीच में 12 बजे, और चोरी हुई चोर को पुलिस ने पकड़ा, वहाँ पर कैमरे लगे हैं, चोर ने पुलिस को पकड़ा, एक चोर पुलिस के हाथ से भाग गया ऐसा पुलिस का कहना है, और पुलिस उस पर कोई आगे की कार्रवाई जो अभी तक कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई है। 2 दान पात्र टूटे हैं और माता रानी का श्रृंगार लूटा गया है। हमारा कहना ये है कि एक तो उस लड़के ने धार्मिक वायलेशन किया है, उसका नाम है समीर अहमद और रहने वाला किश्तवाड़ साइड का है। ऐसी कई चोरियां की है, परंतु हमारे धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की, मूर्ति के कपड़े उतारे हैं, माँ का अपमान किया है, ये हम हिंदू कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो उसने धार्मिक वायलेशन किया है, दूसरी उसने चोरी की है, और हमारा ये मानना है कि क्या पता आश्रम में वो और भी कोई क्राइम करने के उद्देश्य से आया था, इसलिए कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये गजनी और जो मोहम्मद की जो औलादे हैं, ये हमें चैन से नहीं जीने दे रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारा समाज एकत्रित हो और इन चोरों को जो गैंग है जम्मू में ये पूरा की पूरा पकड़ा जाए, जिससे कि समाज शांति से अपनी सांस ले सके। और जो भी मंदिर से सामान गया है वो सामान बरामद हो और उस चोर की जमानत ना हो। जमानत कर देते हैं और चोर को छोड़ देते हैं, किसी की गाड़ी के टायर निकल देते हैं, कोई लड़की रास्ते में फ़ोन पर बात कर रही उसका फ़ोन छीन लेते हैं, किसी की गाड़ियां बाहर से उठा लेते हैं। तो गजनी और बाबर ने जो औलादे हमारे देश में छोड़ी है, इनका इलाज करने का टाइम आ गया है। पुलिस चाहे तो इनका इलाज कर सकती है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है मेरे हिंदू को कि भाई आपने सावधान रहो, और ये जो गजनी ने यहाँ छोड़ा है बीज, इसको नष्ट नाबूद करो, पुलिस इसमें सहयोग करे, पुलिस इनको छोड़े ना, और जो चीज़ इन्होंने जहाँ जहाँ भी चोरी की है वो सारी चीज़ें बरामद होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम एक जन आंदोलन जम्मू में शुरू करेंगे। हमें अपने धर्म स्थान की रक्षा करना आता है, परंतु हम चाहते हैं भाईचारा बना रहे जम्मू में और किसी प्रकार का माहौल खराब ना हो। तो इसलिए पुलिस की हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने रात को 2 बजे चोरों को पकड़ा, परंतु पुलिस की एक बात बहुत गलत है जिसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। मंदिर से जब आपने चोरों को बरामद किया तो आपने मंदिर को इन्फॉर्म नहीं किया कि मंदिर में चोरी हुई है, हो सकता है मंदिर में कोई क्राइम भी हुआ हो। पुलिस का ये फर्ज था कि मंदिर के गेट से आपने जब चोर को पकड़ा तो अंदर जाके आप देखते कि कोई और क्राइम तो नहीं हुआ है, हो सकता वो किसी आईम और क्राइम के इरादे से मंदिर में आया हो, क्या महंत की हत्या करने के लिए आया हो, उसके पास इतनी मोटी रॉड थी और वो पैनी थी आगे से, वो सब जगह कैमरे में आप देख रहे हो, घूम रहा है, देख रहा है इधर उधर। जब उसको क्राइम करने का कोई मौका नहीं मिला तो माता का श्रृंगार उसने उतारा जो सोने का था, दान पात्र उसने तोड़ा, एक दान पात्र लेके बाहर गया, बाहर तोड़ के उसने उसके पैसा निकाला, वो सारा लेके गया और आश्रम के मंदिर के गेट में पुलिस पकड़ती है। तो मेरा पुलिस पर ये सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस ने हमें इन्फॉर्म करना था और पुलिस को मंदिर से जाना नहीं था, मंदिर में ही खड़ा होना था सुबह तक जब तक कोई आता है नहीं आता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मैं धन्यवाद करूंगा, मैंने सुबह उनको फोन किया, उसके बाद 9 बजे पुलिस आई और फिर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने हमको नहीं बताया कि हमने चोर को पकड़ा है, इसलिए हमें शक होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि पुलिस और चोर मिली भगत हो और जम्मू में चोरियां हो रही हो, ऐसे कई बार हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं जम्मू के लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिनकी भी चोरियां हुई हैं वो सब पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ, क्योंकि चोर मुख्य यही। हिंदू परिषद प्रांत कार्यालय में आए, एक बड़ा संगीन मुद्दा ये सामने आया है, जम्मू एक जो है मंदिरों का शहर और हमारा प्राचीन चिनोर में कैलाश मंदिर है, उधर इस प्रकार की अभद्र घटना, इसको हम कहेंगे ये चोरी नहीं, ये डकैती है। डकैती भी इस तरह से कि अब हम लोगों को तो नहीं पता कि चोरी करने के इरादे से आए थे या महाराज जी को मारने के इरादे से आए थे, क्योंकि रात को सिवाय महाराज जी के वहाँ कोई होता नहीं है। और पुलिस की भी इसमें एक नाकामी है कि 2 में से 1 व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है और 1 को अभी तक नहीं पकड़ा है, और उसका झांसा दिया जा रहा है कि वो एक नाबालिग है।
नाबालिग है लेकिन चोर तो है ना जी, चोरी हुई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है, तो आप लोगों के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन से यही आग्रह करते हैं, एडीजीपी जम्मू, डीआईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू, कि सबका संज्ञान लिया जाए। ये कोई छोटी वारदात नहीं है, सबसे पहले ये एक सामुदायिक एक वारदात है। देखिए मुस्लिम पक्ष का आदमी और ना जाने कितनी चोरियाँ आज तक कर चुका है, अगर उसको पकड़ा गया है, समीर अहमद उसका नाम है, उसकी छानबीन होनी चाहिए। उस इलाके में सिर्फ एक ये चोरियाँ नहीं, और भी बहुत सारे हिंदू परिवारों पर चोरियाँ हुई हैं। तो हम यही आग्रह करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि इसकी जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हमें कोई ना कोई आंदोलन करना पड़ेगा। ये हमारी जम्मू की सुरक्षा का सवाल है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आपको